अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान में हुआ विशाल स्वास्थ्य शिविर एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन। सांसद ने किया वरिष्ठों का स्वागत। कामठी ज्वेलर्स में गोपनीय तरीके से हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। कर्मचारी ही निकला आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का माल किया बरामद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आधार फाउंडेशन में मनाया गया स्वच्छता महोत्सव। दिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष, सांसद एवं संगठन प्रभारी की उपस्थिति में संपन्न हुई समीक्षा बैठक। सदस्यता अभियान के द्वितीय चरण की दी गई जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज 1 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान में विशाल स्वास्थ्य शिविर एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा सभी वरिष्ठ जनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, साथ ही उनसे आशीर्वाद लिया गया। उन्होंने कहा कि आप हमारे आदर्श और अमूल्य धरोहर है, आप सदैव स्वस्थ रहे, यही हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, महापौर विक्रम आहके, भाजपा जिला अध्यक्ष शेष राव यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विजय झांझरी, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे सहित अन्य जन प्रतिनिधि व बड़ी संख्या में वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। जनमानस के स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, उनके अच्छी मूलभूत सुविधाओं के प्रति जो जद्दोजहद और प्रशासन के साथ मिलकर छिंदवाड़ा को अच्छा जिला बनाने के लिए, छिंदवाड़ा को मॉडल जिला बनाने के लिए वो प्रयासरत है। निश्चित तौर पर ये उनके कार्यकाल जब वो 5 वर्ष पूर्ण करेंगे तो छिंदवाड़ा देश के नंबर 1 जिलों में प्रथम स्थान पर रहेगा और आप सबके आशीर्वाद से हमारे लोगों को सुलभ स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी हमको व्यवस्था बनानी चाहिए, लगना चाहिए। हमारी सरकार बदली है और हमारे सांसद उस ओर ध्यान देंगे और हम सब मिलकर छिंदवाड़ा को और अच्छा बनाएंगे और जो हमारी कमी बेसी है उसको दूर करते हुए एक भी व्यक्ति बिना स्वास्थ्य लाभ के ना रह जाए, कोई परेशान ना रहे, इसकी चिंता होनी चाहिए और उनको स्वास्थ्य लाभ दिलाएं और भगवान करें कि आप निरोगी रहें, छिंदवाड़ा में स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय भारत। ये कार्यक्रम हो रहे हैं लेकिन हमारी परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा में, संस्कृति में रहा है कि हमारे बुजुर्गों का प्रतिदिन सम्मान, हम घर से निकलते तो उनके चरण स्पर्श करके निकलते हैं, उनका सम्मान करके और उनकी बातों को महत्व देते हुए निकलते हैं। लेकिन आधुनिकता का ऐसा दुष्परिणाम हुआ है कि कहीं ना कहीं आज जो स्थिति आई हम सब लोग देख रहे हैं। ये तो हमारी परंपरा में जो है कि बुजुर्गों का सम्मान प्रतिदिन करते भी हैं और जब बुजुर्ग हमारे चले जाते हैं तो श्राद्ध में उनके पूजन करके तब भी उनको याद करते हैं, उनको जो पसंदीदा जो चीज़ें रहती है वो बना करके उनको भोग लगाने का काम करते हैं। लेकिन आज इस आधुनिक ज़माने में हम युवा पीढ़ी बुजुर्गों का सम्मान छोड़ करके श्राद्ध में भोग लगाने का काम कर रही है। मैं सोचता हूँ कि जब तक हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेवा होनी चाहिए, उनका अच्छे से सम्मान होना चाहिए क्योंकि लंबा समय उनने परिवार के लिए अपना त्याग, अपना समर्पण परिवार के लिए किया है। अब समय आया है कि परिवार उनकी सेवा करे और सबसे ज़्यादा अगर परिवार की आवश्यकता मुझे लगती है कभी पड़ती है तो जब हमारे वरिष्ठ बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनकी परिवार को आवश्यकता पड़ती है कि परिवार सेवा करे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाज में आज पश्चिम संस्कृति के दुष्परिणाम आए हैं उससे हम युवा साथियों को कम से कम इससे सीखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों को हम लोग सम्मान करें और इसी सब चीज़ों को लेकर के यह आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे जिले के सभी बुजुर्गों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, उनको हम लोग यहाँ पर सम्मान करके उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी करवाने का काम करेंगे। अगर बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा कोई समस्या आती है तो वो बीमारियाँ आती हैं, दवाइयों की समस्या रहती है और जब भी हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ें निकल के आती है कि बुजुर्ग जाते हैं, भैया हमारा नाम आयुष्मान कार्ड में नहीं है, अभी तो दवाइयाँ इतनी लग रही है, इलाज इतना हो रहा है। लेकिन हम कहते हैं, आज पूरा देश कहता है, मोदी है तो मेरे सामाजिक न्याय विभाग और नगर निगम कमिश्नर, सामाजिक न्याय के अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर मेरे पास आए थे इस बात के लिए कि वृद्धजन दिवस मनाना है 1 अक्टूबर को, जो कि शासन की मंशा के अनुरूप
तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा मुझे सुझाव दिया कि एक हॉल में इस कार्यक्रम को कर लेते हैं, परंतु जैसे ही ये बात माननीय सांसद जी को पता चली कि इस तरह का एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, विजय झांझरी जी जो बड़े जोश के साथ इस कार्यक्रम को आयोजन करने में लगे हुए हैं, उनका भी मैं नाम लेना भूल गया था, उन्होंने जब दोनों लोगों ने इसको सुना तो कहा कि नहीं ये हॉल में नहीं कार्यक्रम होगा, हम सारे ज़िले के सभी जो सम्मानीय वृद्धजन हैं उनको आमंत्रित करके उनको सम्मानित करना चाहते हैं, तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं इतनी अच्छी भावना के साथ हैं कि उन्होंने एक छोटे कार्यक्रम को इतना बृहद रूप देकर के इस कार्यक्रम को आयोजित किया, आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। आपकी सबकी चिंता वो करते हैं ये उनके इस सोच के आधार पर दिखता है। उन्होंने न केवल ये कहा कि इस कार्यक्रम को बृहद स्वरूप में करना है, साथ ही ये सुझाव भी दिया कि हम सारे वृद्धजन जो आएंगे उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाए, मेडिकल जाँच भी कराया जाए, जिससे कि पता चल सके कि उनको कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं, अगर है तो उसका समय पर इलाज हो जाए। इस तरह की सोच बहुत अच्छी सोच के व्यक्तियों में ही संभव है जो कि आप में है। उसमें सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा, उसके लिए समय दूंगा, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से। मैं रोटरी क्लब के प्रत्येक सदस्य से निवेदन करूंगी कि वे जो भी यहां उपस्थित हैं, वे यहां पर मंच पर विमोचन में शामिल हो जाएं। सम्मानी मंच, अति सम्मानी सदन, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राज्य। हमारे बंटी भैया आपके पास आकर शॉल श्रीफल से सम्मान कर रहे हैं, सांसद जी अपने कलेक्टर साहब भी, शेषराव जी एक लाइन एक रो शेषराव जी ले लेंगे, कलेक्टर साहब भी कर रहे हैं। यह अनूठा दृश्य और ये अनूठा दृश्य जो आप देख रहे हैं ये किसी और ने नहीं, आपने और हम सभी ने निर्मित किया है। कहते हैं ईश्वर के लिए दिए रंगों ने हमें चित्रकार बनाया है, मेहनत और लगन ने सपनों को साकार बनाया है। कहते हैं कि जनता ना होती तो कुछ भी ना होता, क्योंकि आप सभी के प्यार ने ही विवेक भैया को सांसद बनाया। संख्या भी कुछ ज्यादा हो गई है, वे मुख्य अतिथि के आसपास बहुत कम लोग रहेंगे। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय सम्माननीय बंटी साहू जी स्वयं बुजुर्गों के पास जाकर उनका साल श्रीफल से और पुष्पहार से सम्मान करेंगे, साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र सिंह जी भी स्वयं बुजुर्गों के पास पहुंचकर हमारे सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे, साल श्रीफल भेंट करेंगे। कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ व्यवस्था बनाए रखें, अपने ही स्थान पीछे की ओर वृक्ष महासम्मेलन का जो टेंट लगा है वहाँ पे स्वल्पाहार आगे चले आ रहे हैं। सम्मान होने के बाद जिनका सम्मान होता जा रहा है वे जाते जाएंगे, बाकी लोग अपना सम्मान कराने के बाद ही स्वल्पाहार के लिए जाएंगे। कामठी ज्वेलर्स शॉप में गोपनीय तरीके से हुई चोरी का आज पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कामठी ज्वेलर्स में काम करने वाला कर्मचारी प्रदीप डोंगरे के द्वारा कामठी ज्वेलर्स में चोरी की गई थी, जिसे गिरफ्तार कर लाखों रुपए का चोरी गया माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पाठाढाना निवासी प्राजक्ता डोंगरे ने 27 सितंबर को अपने पति प्रदीप डोंगरे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पता चला कि वह नागपुर रोड स्थित कामठी ज्वेलर्स में काम करता है, जहां पूछताछ करने पर पुलिस द्वारा शोरूम संचालक से
पूछा गया कि आपके यहाँ से कुछ चोरी तो नहीं हुआ, जिस पर शोरूम संचालक द्वारा स्टॉक मिलान किया गया तो 20 अगस्त से 29 सितंबर तक 97 ग्राम सोना जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए है चोरी होना पाया गया। पुलिस द्वारा प्रदीप डोंगरे की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी, इसी दौरान भरतादेव पार्क से पुलिस ने प्रदीप डोंगरे को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ करने पर उसने सारी बात पुलिस को बताई, जिसके अनुसार ऑनलाइन गेमिंग के कारण उसे पैसों की आवश्यकता थी इसीलिए उसने चोरी की और मुथूट फाइनेंस और क्रैपी गोल्ड लोन में सोना गिरवी रखकर लोन लिया है। पुलिस ने आरोपी के बताए स्थानों से लाखों रुपए का माल बरामद कर उसे न्यायालय में पेश किया है, साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम को पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। ये 27 सितंबर को एक व्यक्ति हैं, ये इनकी गुमशुदा की रिपोर्ट इनकी पत्नी द्वारा की गई थी तो थाने में कोतवाली में गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज हुई थी और जब जानकारी ली गई तो पता चला कि ये जो डोंगरे जी हैं ये यहाँ कामटी ज्वेलर में सेल्स का काम करते हैं, जिस पर ज्वेलर्स में ये जानकारी लेके पूछा गया तो उनके द्वारा अपना स्टॉक चेक करके बताया कि करीब ये 97 ग्राम सोना के जो जेवर है वो स्टॉक से गायब है, जिस पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जो डोंगरे इनको तलाश की गई थी और तलाश करने पर पुलिस द्वारा पार्टी लगा के पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो इनके द्वारा चोरी करने की वारदात करना स्वीकार किया है, जिस पर से सोने के जो जेवरात हैं कुल 5 जो सोने के कड़े और 2 सोने की चेन, 1 अंगूठी पेंडेंट और 1 सोने का सिक्का, ये कुल जो 97 ग्राम सोना है ये के आभूषण जब्त किए गए हैं, जो कुल कीमती 7.5 लाख है। उक्त जो जेवर है आरोपी द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के लालच में, जो इसने ऑनलाइन गेम में खेलने के लिए 2 लोन लिए थे और उसमें जो लोन की गोल्ड लोन कंपनियां हैं उनमें जमा कर दिए थे, उक्त गोल्ड सभी जब्त किया जा चुका है और 10 ग्राम सोना इसके घर से जब्त किया जा चुका है और आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, अभी प्रकरण में विवेचना की जा रही है। देखिए इसको परीक्षण करेंगे, ये बात सही है कि अभी जो कंपनी से जानकारी मिली है उसमें इन्होंने बिना किसी कागजात के ये गोल्ड को रखा था, गोल्ड को विधिवत जब्त किया जा चुका है, अब जिसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके न्यायालय से अग्रिम कार्रवाई हेतु आरोपी प्रस्तुत किया जाएगा। अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर का शुभ दिन छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल अहिंसा प्रेमी समाज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश की धर्म नगरी छिंदवाड़ा में दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन में विविध रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम आयुक्त चंद्र प्रकाश राय, अध्यक्षता सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने की, जिनके साथ विशेष अतिथि के रूप में रोटरी क्लब प्राइड अध्यक्ष अंजलि नायक, कोषाध्यक्ष श्वेता जैन, अनीता तिवारी, रेणु तिवारी, सांसद प्रतिनिधि आशय सिंघई उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन आधार फाउंडेशन के संस्थापक महेश किंत एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती सरिता पांडे किंत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाकर उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए समाज सेवियों का अभिनंदन किया। सुंदर आयोजन की खुशी में रोटरी प्राइड द्वारा सभी दिव्यांग बच्चों को स्नेह भोज कराया गया एवं स्वच्छता अभियान टीम नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा ने उपहार भेंट कर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुभकामनाएं दी।
जैसे कि आप लोगों ने स्वच्छता के ऊपर से जो कार्यक्रम रखा है उसी में ये हमारा स्वच्छता संबंधी एक प्रोग्राम बोल दो या कार्यक्रम बोल दो जो भी है उसमें ही हम आप लोगों को चार डस्टबिन के बारे में बता रहे हैं। हमारी स्वच्छता की काकी है, ठीक है, आप लोगों से मिलने आ रही है हमारी काका और काकी। एक दवाई एक बार ताली बजा देंगे सभी लोग। और एक बार सभी लोग आ जाएंगे मंच पर। माँ के नाम जय मातरम। संकल्प लेता हूँ कि अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान दूंगा। एक पौधा माँ के नाम लगाकर भारत को पर्यावरण से सुशोभित करूंगा। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगा। स्वच्छता का शुभारंभ स्वयं से, अपने परिवार से, अपने प्रतिष्ठान से करके छिंदवाड़ा को अव्वल स्थान दिलाऊंगा। ना तो मैं गंदगी करूंगा और ना ही किसी को गंदगी करने दूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बंदे बंदे। बहुत बढ़िया दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम अहिंसा के पुजारी कहते हैं, उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर की पूर्व वेला पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। और आधार फाउंडेशन, जो छिंदवाड़ा में दिव्यांगों की सेवा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर स्वच्छता महोत्सव का आयोजन किया गया और नगर निगम कमिश्नर आदरणीय CP राय साहब इसके मुख्य अतिथि थे। मैं दीपक राज जैन, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसिडर, और अंजलि नायक जी रोटरी प्राइड जो विशेष अतिथि, श्वेता जैन जी बहन, अनीता तिवारी जी और हमारी रेणु तिवारी बहन, और हमारे यहाँ की संस्थापक सरिता पांडे जी, भाई महेश जी किंत जो यहाँ पूरा बच्चों की देखरेख करते हैं, तमाम स्टाफ को मैं सुंदर से कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से नगर निगम छिंदवाड़ा जो स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला रहा है, पूरे प्रदेश के तर्ज पर छिंदवाड़ा को नंबर 1 पायदान पे लाए, उसके लिए आज यहाँ के प्यारे बच्चों ने जो सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया है वो उसने हमारा मन जीत लिया। हम निवेदन करेंगे आधार फाउंडेशन से कि इस कार्यक्रम को बड़े रूप में करके पूरे जिले को एक संदेश दें। पुनः इस सुंदर से कार्यक्रम के लिए मैं आधार फाउंडेशन को पूरे छिंदवाड़ा की ओर से धन्यवाद देता हूँ। और जो हमारे दिव्यांग बच्चों ने ये कार्यक्रम किया है उनको विशेष बधाई। सम्मानी मीडिया का जो सहयोग मिलता है उसके लिए कोटि से आभार। रोटरी प्राइड जिन्होंने हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम में हमारे बच्चों के लिए, अतिथियों के लिए स्नेह भोज का एक सुंदर सा आयोजन किया, उनको विशेष बधाई। और आप सबको बधाई, आपसे निवेदन है दोस्तों, जब भी समय मिले हमारे आधार फाउंडेशन आइए और इन दिव्यांगों के साथ कुछ समय बिताइए और हमारे छिंदवाड़ा को स्वच्छ स्वस्थ एवं सुंदर रखने में अपना सहयोग प्रदान करिए। धन्यवाद। आधार फाउंडेशन में दिव्यांग बच्चों के साथ में स्वच्छता अभियान के तहत बच्चों ने बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की और जन जन को यह जागरूकता अभियान के माध्यम से यह भी बताया कि स्वच्छता हमें किस तरीके से अपनाना है और इनको कैसे हमें अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है। इन बातों के साथ यह सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ हुई और इसी के साथ यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा प्राइड ने भी बच्चों के साथ ये अभियान के तहत इनका स्वल्पाहार और बच्चों की खुशियों में सम्मिलित होकर आज
दो अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस है, महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस भी है। इस अवसर पर नगर निगम छिंदवाड़ा की सीमाओं के अंतर्गत कार्यरत आधार फाउंडेशन है। आधार फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी आधार फाउंडेशन द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिस हमारे स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर श्री दीपक राज जैन जी उसके कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, जिसमें दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया, स्वच्छता के प्रति लोगों को अवेयर किया गया और जन जागरूकता फैलाने का काम किया गया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है और बच्चों द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुति दी गई है, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। मैं इन बच्चों को, कार्यक्रम के आयोजकों को और हमारे जो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री दीपक राज जी, उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपील करता हूँ कि इसी प्रकार से स्वच्छता के अवेयरनेस के कार्यक्रम आगे भी जारी रहे। सोमवार को भाजपा जिला कार्यालय में संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 अंतर्गत जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद बंटी विवेक साहू एवं जिला संगठन प्रभारी संतोष पारी की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता, जनप्रतिनिधि, जिला एवं मंडल पदाधिकारी की उपस्थिति में सदस्यता अभियान की समीक्षा कर जल्द से जल्द लक्ष्य को प्राप्त करने निर्देशित किया। इस दौरान 1000 से अधिक सदस्य बनाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। साथ ही बताया गया कि सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 सदस्य बनाना अनिवार्य है तथा संगठन में सक्रिय सदस्यों को ही किसी भी पद पर मनोनीत किया जा सकता है। इस अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष शेष राव यादव, जिला प्रभारी संतोष पारेख, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह, महापौर विक्रम आहाके, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत सदस्य कमलेश उइके, पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, चौधरी गंभीर सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हई राम रघुवंशी, दौलत सिंह ठाकुर, जिला महामंत्री टीका राम चंद्रवंशी, परमजीत विज, श्रीमती कांता ठाकुर, सुश्री मोनिका बट्टी, लखन वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला मंडल मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं अभियान प्रभारी उपस्थित रहे। चौथे पांचवे स्थान पर मध्य प्रदेश में है, इसलिए आज छिंदवाड़ा में इतिहास जरूर रचा। आज हमारे सदस्यता जो है 294,000 हो गई है और अभी हमारा सदस्य अभियान चल रहा है, सेकंड चरण शुरू होने वाला है 1 तारीख से 15 तारीख तक और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अब लक्ष्य है हमारा 5 लाख का, हम 5 लाख में जरूर पहुंचेंगे। आपके भरोसे, आपके बल बलबूते पर ये पार्टी को सदस्यता अभियान किए मिला है और इसके लिए थोड़ा थोड़ा बाकी रहेंगे पुराना तक उसको आप पूरा करेंगे। चौरे ने बहुत अच्छा काम किया, चौरे सबसे पीछे था लेकिन चौरे आगे बढ़ के आज लगभग 54,000 सदस्य उन्होंने बनाए। चौरे के लिए ताली बजाएं और 68,000 का प्रणाम है लगभग, क्योंकि थोड़ा चढ़ गया हमारा भी रहेगा 24,000 रुपये भी अच्छा बाकी रहेगा। सबसे अच्छा चलता था दुनार्डो सेकंड नंबर, लेकिन पता नहीं सर दुनार्डो क्या हो गया। अपने भैया जैसे आपने 3,000 बनाया वैसे दुनार्डो पूरा लक्ष्य प्राप्त करे इसकी चिंता सारे कार्यकर्ता वहां करेंगे, सारे नेता। आज विप्र पुरोहित सेवा संगठन जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आदर्श गौशाला में समस्त सनातन धर्मियों ने गौ माता का पूजन किया और गौ माता को आहार कराया। विप्र पुरोहित सेवा संगठन जिला छिंदवाड़ा के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में अनेक सनातनी धार्मिक संगठनों ने गौशाला जाकर गौ माता का पूजन किया और गौ माता को आहार कराया। सभी धर्माचार्यों ने गौ को चूनी खली, हरा घास, भूसा और गुड़ केला का भोग लगाया। उन्होंने बताया कि ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री 1008 अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए समस्त भारत में गौ ध्वज की स्थापना की जा रही है, उसमें अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ प्रदेशों में शंकराचार्य जी पर रोक लगाई गई
और गौ माता को आहार बताया, अतः इसे गुरुजी का अनादर और गौ माता का अपमान समझकर इसके विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब जब अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में जो सभा गुरुजी की होने वाली थी, उसको वहां पर ये बोल करके रोका गया है कि जिस गौ माता के लिए गुरुजी आप आए हुए हैं और जिसके गौ ध्वज का आप यहाँ पर स्थापना करके गौ हत्या रोक पर आप जो देने चाहते हैं संदेश, तो उसको यहाँ करने से कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ इसलिए तात्पर्य नहीं है कि यहाँ के लोग गौ खाते हैं, चारा है, ये हमारा चारा है, गौ खाते हैं यहाँ पर लोग। अब मेरा मानना ये है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, गौ माता यहाँ पर सनातन धर्म में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। आज हम लोग जब घर में पूजा करते हैं तो गौ माता की जयकार जरूर लगाते हैं, मंदिर में लगाते हैं हम लोग। हमारे घर के सामने गाय आती है, एक रोटी खिला करके हमारी भी आत्मा तृप्त होती है कि हमने सबसे बड़ा पुण्य का कार्य कर लिया है। जिस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, वह गौ माता को कैसे भारतवर्ष में एक प्रदेश के लोग खा सकते हैं, ये मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ जिसने पूज्य गुरुदेव को रोकने की चेष्टा करी है, कि तेरे में ऐसी हिम्मत कैसे आई जो तूने गुरुजी को रोका और वहां पर गौ माता को आहार बताया। तू है कौन, तेरा वर्चस्व क्या है? ये भारत ऋषि मुनियों की धरती है, ये भारत गौ माता की भूमि है, ये भारत शास्त्रों की भूमि है, और उसमें शास्त्र में सनातन में जो सर्वोच्च सत्ता प्राप्त गौ माता और शंकराचार्य का जो सम्मान नहीं कर सकते, ऐसा शासन प्रशासन कौन से काम का है, बड़े दुख की बात है। लघु उद्योग भारती छिंदवाड़ा जिला इकाई द्वारा आज संभागीय अंचल बैठक एवं जिला औद्योगिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महाकौशल संभाग के 24 जिले से अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्य संभाग लघु उद्योग भारती इकाई के सदस्यगण शामिल हुए और विभिन्न औद्योगिक विषयों पर चर्चा की। कार्यक्रम में सांसद विवेक बंटी साहू, राष्ट्रीय पदाधिकारी अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश जी, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ताराचंद गोयल, सह विभाग संघ चालक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से मनोज जैन, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती राजेश मिश्रा, प्रदेश सचिव महामंत्री अरुण सोनी सम्मिलित हुए और सभी ने अपने विचार और अपनी अपनी इकाइयों की जानकारी सम्मानीय अतिथियों के सामने रखी और लघु उद्योग भारती की सदस्य संख्या एवं सदस्यता बढ़ाने के ऊपर विचार विमर्श और वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी समीक्षा भी की गई। और भाग्यशाली है कि यह सम्मेलन आज हमारे छिंदवाड़े में हो रहा है, इसके लिए जिला संगठन की तरफ का जिला संगठन के भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके द्वारा यह आयोजन किया गया। लघु उद्योग भारती जैसा नाम में हमारी भारत माता भारती का नाम है, तो यह संगठन हमारा राष्ट्रवादी संगठन, जिस तरीके से उद्योगों को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आज़ादी के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो गति थी उद्योगों में और जिस तरीके से वो लोग कार्य कर रहे थे, उसमें और किस तरीके से हम राष्ट्रवाद को जोड़ करके आगे बढ़ सके, इस उद्देश्य से यह हमारा संगठन लघु उद्योग भारती का गठन हुआ। और आज पूरे देश में बड़ी संख्या में हमारे लघु उद्योग भारती के सदस्य जुड़ रहे हैं और जहाँ भी हम लोग जाते हैं बातचीत होती है। अभी CII संगठन की भी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, पूरे सांसदों को उन्होंने बुलाया था, तो वहाँ पर भी लघु उद्योग भारती की बात हुई। निश्चित तौर पर आज जो देश में माहौल है, तो हर किसी के मन में राष्ट्र प्रथम है और हमारा संगठन भी राष्ट्र प्रथम को लेकर के चल रहा है, और इस के माध्यम से इस हमारे लघु उद्योग भारती के संगठन के विचारों को लेकर के आज सरकार काम कर रही है। और आपने देखा कि क्या परिवर्तन पिछले 10 वर्षों में आया है। अगर हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था की बातचीत करें तो 10 वर्ष पूर्व जहाँ दुनिया में हम 14वें नंबर। नमस्कार भाई साहब, मैं लघु उद्योग भारती जिला छिंदवाड़ा का मीडिया प्रभारी हूँ। मेरा पूर्व में दायित्व सचिव का था, मैं पिछले लगातार 2 बार सचिव रहा, और हमारे लघु उद्योग भारती अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें पूरे इंडिया लेवल पे हमारे 392,000 सदस्य हैं, प्रदेश में हमारे लगभग 52,700 भी सदस्य हो गए हैं, और अभी निरंतर सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है। आज हमारे द्वारा छिंदवाड़ा जिले में लघु उद्योग भारती का
औद्योगिक सम्मेलन रखा गया था। इसमें अंचल बैठक एवं उद्योग सम्मेलन था। इसमें हमारे 24 जिलों से संभाग के स्तर से सभी सदस्य आए हैं, जिसमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, करेली, नरसिंहपुर, गोटेगांव, आपका सौंसर, पांडुना और छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, सभी जगह से सदस्यगण पधारे हैं। और लघु उद्योग भारती द्वारा उद्योगों के हित में बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे अभी अभी हमारे एक सदस्य छतरपुर से आए थे, उन्होंने बताया कि किसी कारण से वहाँ पे कोई फैक्ट्री बंद थी, 5 महीनों से परेशान हो रहा था, उसे लघु उद्योग भारती ने अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद वहाँ के जिला कलेक्टर से बात कर आगामी 3 दिन के अंदर उन्होंने उस फैक्ट्री को खुलवा कर फिर से व्यवस्थित कार्यक्रम को व्यवस्था बनाई है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लघु उद्योग भारती संगठन के माध्यम से उद्योगों में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कराकर उद्योगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, सरकारी तंत्र से जितनी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं वैसा उसे सुविधाएं दिलवाना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। लघु उद्योग भारती अपने 7 कार्यक्रम वर्ष में करती है, जिसमें स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस मनाना, फिर सार्वजनिक कार्य करना जैसे प्याऊ लगाना, ब्लड डोनेशन काम करना, वृद्धाश्रम में वृद्धों को जानकारी लेकर उनके लिए व्यवस्थाओं की जानकारी लेकर उनके उपयोगी सामग्रियों को व्यवस्थित समय पर पहुंचाने की व्यवस्था करना, और लघु उद्योग भारती अपना सदस्यता अभियान चलाकर सदस्यों को बढ़ाती है स्थापना वर्ष मनाकर, और हमारा स्थापना वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम किया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, ऐसे हमारे 7 कार्यक्रम किए जाते हैं जिसके माध्यम से लघु उद्योग भारती अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों से जितना राष्ट्रहित में कार्य हो सकते हैं उनको करने के लिए प्रयासरत रहती है। और अधिक से अधिक युवा लोग, आजकल मैक्सिमम देखा जाता है कि युवा वर्ग उद्योग लगाना नहीं चाहते, नौकरी करना चाहते हैं, तो ये अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, सब नौकरी करते रह जाएंगे। इसलिए उनको उद्योगों की तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की जो दी हुई हैं उनसे उनको जानकारी देकर उनको उद्योग के प्रति समर्पित करवाना, ये उद्देश्य रहता है। मेरा नाम अमित सूचक है, मैं इस समय वर्तमान में लघु उद्योग भारती का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। 1 अक्टूबर को नेशनल वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन डे के उपलक्ष्य में ब्लड बैंक जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा व कैरी ऑन कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंस के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों व प्रबुद्धजनों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर CMHO डॉ NK शास्त्री, सिविल सर्जन डॉ गुन्नाडे, पैथोलॉजिस्ट डॉ रंजना टांडेकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे और सभी को रक्तदान करने हेतु जागरूकता संदेश दिया। आज हमारी कैजुआन के 10 बच्चे लोगों ने आज जो है ब्लड डोनेशन करा। एक ब्लड डोनेशन जो है एक महान कार्य है, और जो बच्चे लोगों ने सपोर्ट करा कैजुआन माध्यम से, रंजना टांडेकर मैडम, डॉक्टर पटेल सर और डॉक्टर श्रीवास्तव मैडम और शीतल मैडम और जितनी भी हैं, इन लोगों के मार्गदर्शन पर एक पूरा का पूरा सहयोग करा गया है, ताकि बच्चों को इसकी मैं जानकारी भी दी है रंजना टांडेकर मैडम ने कि किस हिसाब से आपको ब्लड डोनेट करना है और ब्लड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। क्या उद्देश्य था रक्तदान करने का? रक्तदान करने का उद्देश्य है कि जीवों मदद मिले ना, जो बच्चा जो मतलब ऐसा कि जो पीड़ित है, जो डिसीज सफ़र कर रहा है, उसको ब्लड नहीं मिल पाता है, तो ये ब्लड उनके पास जाएगा, तो जीवन दान मिलेगा।
17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा दिवस के अंतर्गत नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के आयुक्त चंद्र प्रकाश राय के निर्देशानुसार आज वार्ड क्रमांक 26 में स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छोटा तालाब स्थित चौपाटी के अंतर्गत आने वाली सभी दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण पार्षद गरिमा दामोदर द्वारा किया गया। इनके अलावा प्रतियोगिता में श्रेष्ठ दुकानों के चयन में जागेंद्र अल्डक, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी, बादल भारद्वाज, विनीता नेटी, दीपक राज जैन, डॉक्टर मीना पराडकर, अलका शुक्ला भी शामिल हुई और दुकानदारों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने व 2 डस्टबिन गीला सूखा अलग अलग रखने के लिए एवं अपनी अपनी दुकानों के आसपास सफाई रखने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरनाम सिंह भट्टी द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के पर्व को साकार करने हेतु अपना योगदान दूंगा। मैं अपने शहर को गंदगी से आजाद कराने का सतत प्रयास करूंगा। ना मैं खुद गंदगी करूंगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। मैं पॉलीथिन का उपयोग नहीं करूंगा। नगर पालिका निगम द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज हमारे जिले की लोकप्रिय जिसे चौपाटी बोलते हैं, उसमें छोटा तालाब स्थित चौपाटी में जो यहाँ व्यंजनों की दुकान लगती हैं, जैसे गुपचुप की दुकान, मोमोज की दुकान और दूसरे जो भी लोग पसंद करते हैं खाना, उसकी दुकानें जो लगती हैं, उनमें से चिन्हित दुकानों का जो है निरीक्षण किया गया और उनकी गुणवत्ता का ध्यान दिया गया और वो लोग कैसे दुकान संचालित कर रहे हैं इसको देखा गया, जिसके कुछ बिंदु निश्चित किए हुए थे। उन बिंदुओं पर कौन दुकान खड़ी उतरी है, इसके लिए लोगों ने अपना जो है निर्णय दिया और आगामी 2 तारीख को जिन दुकानों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अपनी दुकानों को साफ सुथरा रखा है, उनका रखरखाव अच्छा है, उनमें से प्रथम द्वितीय तृतीय जो आएंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और यह नगर निगम जो है लोगों में जागरूकता ला रहा है कि स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, ताकि हम जो बीमारियों से बच सकें। पांडुना जिला अंतर्गत ग्राम नरसला के शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला के शिक्षक द्वारा की गई अनियमितताओं की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में करते हुए आज ग्रामीणों ने अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच कर कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। हम ग्राम नरसला तहसील पांडुना जिला छिंदवाड़ा से प्रधान पाठक सुरेश काकोड़े की शिकायत लेकर आए DO साहब के पास में। हमारे यहाँ वो काकोड़े सर आते हैं, 12-1 बजे चले जाते हैं और मध्यान्ह भोजन संबंधित कुछ गड़बड़ी है, साइकिल संबंधित कुछ गड़बड़ी है और रद्दी वगैरह बेचा है ऐसे, और किसी कोई भी पालक जाता है उनको अपमानित करता है और बच्चों को कभी पढ़ाते नहीं है और डिसिप्लिन में नहीं रखते। इस संबंधी हमने जानकारी DO साहब को कई बार मौखिक और लिखित तौर पर दिया, लेकिन उन्हें अनुचित उचित कार्रवाई नहीं की, इसीलिए DO साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आपका नाम क्या है? महिपाल गिराहरे मेरा नाम। कौन गांव से लेते हैं आप? नरसला से। राज्य शासन के जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में CEO जिला पंचायत अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर KC बोपचे, SDM सुधीर जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से जन सुनवाई में शामिल हुए। तो
स्थानीय छोटी बाजार रामलीला रंगमंच पर चल रही श्री रामलीला में दूसरे दिवस श्री राम जन्म मुनि आगमन ताड़का वध की लीला खेली गई। लीला के प्रारंभ में राजा दशरथ को पितृ ऋण से मुक्त करने हेतु श्रृंगी मुनि पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, जिसके प्रभाव से श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न अवतरित होते हैं। इसके बाद राजा दशरथ की आज्ञानुसार श्री राम अपने भाइयों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा हेतु प्रस्थान करते हैं। गुरुकुल में गुरु वशिष्ठ द्वारा उन्हें विद्या दान देकर वापस राजमहल भेजा जाता है। महामुनि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों के यज्ञ एवं तपस्या को भंग करने का कार्य लगातार मारीच एवं सुबाहु राक्षसों द्वारा किया जा रहा था। यज्ञ एवं धर्म की रक्षा के लिए महामुनि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास जाकर उनके दो पुत्र राम लक्ष्मण को मांगते हैं एवं उन्हें लेकर आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में श्री राम ताड़का नामक राक्षसी का वध करते हैं। अपनी दिनचर्या अनुसार मारीच एवं सुबाहु राक्षस महामुनि विश्वामित्र का यज्ञ भंग करने आते हैं। श्री राम एवं लक्ष्मण सुबाहु का सेना सहित वध करते हैं एवं मारीच को 100 योजन पार भेज देते हैं। जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते समय मार्ग में विश्वामित्र श्री राम एवं लक्ष्मण को गंगा अवतरण एवं देवी अहिल्या की कथा सुनाते हैं। श्री राम द्वारा चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया जाता है। मंगलवार को धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन किया जाएगा। नए साज सज्जा के साथ में, पूरे उपकरणों के साथ में, सही व्यवस्थाओं के साथ में हमारी लीला में कम से कम 400 पात्र यहाँ सजते हैं। और आपको ये बताऊं मैं कि हमारी लीला इस वर्ष 29 तारीख से प्रारंभ हो रही है और 12 तारीख को दशहरा है। दशहरा के दिन भी हमारे यहाँ रात्रि में लीला खेली जाती है। इस तरह से हम 14 दिन की लीला यहाँ प्रसारित करते हैं। छिंदवाड़ा की यह महाराम लीला जो कि विश्व में 40 देशों में देखी जा रही यूट्यूब के माध्यम से, और छिंदवाड़ा में भी गाँव में इस रामलीला का आनंद भक्त लेते हैं। यह रामलीला का इंतजार छिंदवाड़ा के शहर के लोगों को साल भर रहता है, और रामलीला प्रारंभ होने के बाद लोगों का उत्साह ये रहता है कि प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व यहाँ पर आके अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। श्री राम की लीला केवल यहाँ पर मनोरंजन के लिए नहीं देखी जाती, वरन अपने जीवन में राम की शिक्षाओं को उतारने के लिए भी यहाँ पर रामलीला देखी और खेली जाती है। इस रामलीला में 1 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के पात्र उपस्थित है, जो कि बखूबी पिछले 60 वर्षों से रामलीला का चरितार्थ कर रहे हैं। इस वर्ष दशहरे का आयोजन 6:30 बजे स्थानीय दशहरा मैदान में किया जाएगा। गौधूली बेला में रावण दहन करके भगवान श्री राम रावण पुतले का दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को सिद्ध करेंगे। 30 सितंबर की शाम नागेश्वर महादेव मंदिर प्रबंधन समिति एवं तुलसी रामायण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में रामायण पाठ के दौरान श्री राम विवाह का प्रसंग आने पर भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी शामिल हुए और भगवान राम के साथ माता सीता के विवाह की खुशियां मनाई।
जी यहाँ सीताजी का विवाह का प्रसंग रामायण में आया हुआ था, तो उनका विवाह का आज हमने तैयारी की हुई है। आज राम जी एवं सीताजी का विवाह हमारे नागेश्वर महादेव मंदिर में सम्पन्न होगा, जिसमें हमारे नागेश्वर निर्मल स्टेट कॉलोनी व्यवासी सोसाइटी के सभी सदस्य, सरकारी बच्चे, मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग सभी शामिल हुए। हमने आज यहाँ से सुभाष कॉलोनी के गेट से नागेश्वर श्री राम जी की बारात निकाली, अभी नागेश्वर महादेव मंदिर बन जाएगी। आज वहाँ पर बड़े हर्षोल्लास से हमारे नागेश्वर महादेव मंदिर में भगवान श्री राम जी का विवाह आज सम्पन्न होगा, जिसमें यहाँ पर आज हमने सभी कॉलोनी वासियों का संयुक्त रूप से भोजन रखा हुआ है, भोजन व्यवस्था हुआ है, उनके बैठने और सुनने की व्यवस्था की गई हुई है, जिसमें हमारे सभी मोहल्ले के सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया, क्योंकि रामायण मंडल का विशेष सहयोग यहाँ पर हमें मिला, उन सभी का धन्यवाद करते हैं। जिले के तमाम देवी भक्तों की आस्था का केंद्र मां दुर्गा का जागृत दरबार नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर देश भर में माता रानी के भक्तों के बीच एक विशेष स्थान रखता है। नवरात्रोत्सव के दौरान बड़ी माई के दरबार में लाखों भक्त अपना शीश नवाकर देवी मां से मनोकामना मांगते हैं। इस कार्यक्रम के लिए श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट द्वारा वृहद स्तर पर तैयारियां की जाती है। इस दौरान सैकड़ों मनोकामना कलश माता रानी के दरबार में जय दैदीप्यमान होते हैं। सैकड़ों सेवादार निस्वार्थ भाव से बड़ी माता मंदिर के दरबार में अपनी सेवाएं देते हैं। इस विशेष आयोजन के विषय में ट्रस्ट के अध्यक्ष संतोष सोनी द्वारा बताया गया कि शारदीय नवरात्र के हमारे कार्यक्रम प्रथम दिवस की प्रातः काल की आरती से ही आरंभ हो जाएंगे तथा 401 ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। श्री बड़ी माता मंदिर में नवरात्र को लेकर चल रही समस्त साज सज्जा तथा अन्य तैयारियों को अंतिम रूप देकर पूर्ण कर लिया गया है। ट्रस्ट के सचिव राजू चरनागर ने जानकारी देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को श्री बड़ी माई नगर सेठानी जी का भव्य आगमन मूर्तिकार एस कुमार के निवास से रात्रि ठीक 8 बजे श्री बड़ी माता मंदिर प्रांगण में होगा। बंधुओं को जय माता जी। शारदीय नवरात्र 3 तारीख से एकम शुक्ल पक्ष से 3 अक्टूबर से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो रहा है। 2 अक्टूबर को माता जी की प्रतिमा लाई जाएगी धूमधाम से। 3 तारीख को जमारे मनोकामना कलश की स्थापना की जाएगी। 2100 रुपये घी के कलश के रखे गए हैं, 1100 रुपये तेरे कलश रखे गए हैं। जिन बंधुओं ने अपने कलश बुक नहीं कराए हैं वे कृपया आगे 2 तारीख या 3 तारीख के 2 बजे तक के अपने कलश बुक करा लें। 7 तारीख को पंचमी की महाआरती यहाँ होगी। 8 तारीख अष्टमी को हवन होगा और 10वें विजयदशमी के दिन जमारे के विसर्जन होंगे और एकादशी के दिन सुबह माता जी की विसर्जन याद की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिदिन यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया है। शाम को प्रसाद भंडारे का फलाहारी प्रसाद का वितरण किया जाएगा। अतः सभी धर्म देवी बंधुओं, माताओं, बहनों और साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करें और अपनी भक्ति और शक्ति में लीन होकर माता जी की कार्यक्रम में बढ़ जाकर हिस्सा ले। माता रानी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको संतान से परिपूर्ण करे। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित मैदान में हुआ विशाल स्वास्थ्य शिविर एवं वरिष्ठ जन सम्मान समारोह का आयोजन। सांसद ने किया वरिष्ठों का स्वागत।
कामठी ज्वेलर्स में गोपनीय तरीके से हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। कर्मचारी ही निकला आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी का माल किया बरामद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर आधार फाउंडेशन में मनाया गया स्वच्छता महोत्सव। दिव्यांग बच्चों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम। और भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष, सांसद एवं संगठन प्रभारी की उपस्थिति में संपन्न हुई समीक्षा बैठक। सदस्यता अभियान के द्वितीय चरण की दी गई जानकारी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।